जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं भाद्रपद मास संकष्टी चतुर्थी बहुला चौथ की पूजन विधि, महत्व, उपाय एवं व्रत की नियम। बहुला चौथ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। इस साल बहुला चतुर्थी 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। बहुला चौथ मुख्य रूप से कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बहुला चौथ का त्यौहार भगवान कृष्ण के अनुयायी मुख्य रूप से मनाते हैं। इस दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है और कृष्ण जी के जीवन में गायों का बहुत महत्व था। वे खुद एक गाय चराने वाले थे जो गौ माता की तरह पूजते थे। किसान समुदाय के लोग इस दिन जल्दी उठकर अपने पशुओं और उनके रहने के स्थान को अच्छे से साफ करते हैं। चावल का कुछ बनाकर पशुओं को खिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उस दिन पशुओं द्वारा कोई भी काम नहीं होता है। बहुला चौथ पूजन विधि। इस दिन पूरे दिन का व्रत होता है जो कि शाम को पूजा के बाद ही खोला जाता है। इस दिन मिट्टी से गाय एवं बछड़ा बनाया जाता है। कुछ लोग सोने एवं चांदी के बनवाकर उसकी पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के पश्चात इन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही गणेश जी एवं कृष्ण जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग ज्वार एवं बाजरा से बनी वस्तु भोग में चढ़ाते हैं और बाद में उसे ही ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद बहुला चौथ की कथा को शांति से सुनना चाहिए। गुजरात में इस दिन खाना खुले आसमान के नीचे तैयार किया जाता है और वहीं बैठकर खाते हैं। मध्य प्रदेश में इस दिन उड़द दाल से बनने वाला बड़ा का सेवन किया जाता है। वहाँ उस दिन उड़द दाल से बना भोग ही औरतें ग्रहण करती हैं। इस दिन दूध और उससे बनी चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी, दही, मिठाइयाँ खाना बिल्कुल मना होता है। कहते हैं जो यह व्रत रखता है उसे संकट से आज़ादी मिलती है, साथ ही उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से धन ऐश्वर्य मिलता है। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी से बने गाय बछड़ी के जोड़े को किसी नदी या तालाब में सिरा दिया जाता है। बहुला चतुर्थी के उपाय। गौ माता की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होते हैं। प्रतिदिन गौ माता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। यदि रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दे तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौ माता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ का वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्षमयी जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सकें तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से भी पितृदोष समाप्त होगा। यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम लें, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गौ माता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसीलिए उसे आयुर्वेद घृतम कहा जाता है। अतः गौ माता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। बहुला चतुर्थी व्रत करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस व्रत से घर परिवार में सुख शांति आती है।